हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारसनाथ करियर स्टैंड। मैं सोनाक्षी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सभी के सभी आपके रेलवे के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो देखिए ऑप्शंस है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। भारत में रेल का आविष्कार जो हुआ था, आरंभ हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए, जो भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन हुआ था, वो हुआ था हमारा 1950 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा दूर तक चलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो है, ये भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो देखिए, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है, इन्होंने ही रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था, वो तो हमारा 1853 में हो गया था, लेकिन जो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर। अब देखिए, भारत में पहली रेल कौन सी चली थी? तो वो कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने तक। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कितनी दूरी तक? तो 34 किलोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में जो मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले बार आरंभ की गई थी, वो की गई थी कोलकाता में। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो देखिए, जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो है हमारा गोरखपुर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मेघालय में रेलवे लाइन नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर रेलवे लाइन बन गया है। और अभी जो है ना, अभी एक सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी तक रेलवे लाइन नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य, क्योंकि सिक्किम यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई ने। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट था ना, उसे प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। और साथ में इसका एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जॉन मथाई जो थे, ये पहले रेल मंत्री भी थे भारत के। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल का जो स्लोगन है, यानी कि जो टैगलाइन है, वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? विश्व में स्थान पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में। और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देखिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। तो देखिए, जो सबसे पहली ट्रेन थी, ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? फ्रेंड्स अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता हो तो आप थोड़ा सा अगर अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। देखिए सबसे पहले भारत में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? रेल की तो 1853 में हुई थी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, तो 53 एक ही बार है, ठीक है यहीं पे है एक बार, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। तो देखिए रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में ही अलग कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। तो देखिए भारतीय रेल नेटवर्क जो है उसका विश्व में स्थान चौथा है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, ये सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर फटाफट हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। भारतीय रेल नेटवर्क का जो एशिया में स्थान है वो है दूसरा। विश्व में प्रथम रेल कब चली? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1825 में। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ चली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन में चली थी, तो इसे भी आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्व सेंट्रल जोन का मुख्यालय है तो कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। नेक्स्ट है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? यानी कि आप जानते हैं कि बहुत पुराने समय में भाप से ट्रेन चलती थी, तो वो सबसे पुराना जो भाप इंजन है विश्व में का सबसे पुराना वो कौन सा है जो अभी तक काम कर रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरी क्वीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। वाराणसी में कोई भी तरह की रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और बेंगलोर के बीच। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।